टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल, टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल जो है कैसे काम करता है, उसको कैसे मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ये मेनली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल इस टाइप के दिए रहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप थोड़ा छोड़ो क्या यूज करोगे, बाद में जब प्रैक्टिकल यूज करने होगा देखना। अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले 1954 के पहले जो यूज करते थे वो देखते हैं, उसके बाद वाला देखेंगे। 1954 के पहले मेथड यूज, बिफोर 1954 इन दिस मेथड टू रेफरेंस पॉइंट लेते थे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, दो रेफरेंस पॉइंट हम लेते थे। आइस पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको न्यूमेरिकल में स्टेट का दिया रहेगा, टी इज फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, टेम्परेचर किसी का फंक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, और पूछा रहेगा कि आप निकाल के दिखाओ बाई यूजिंग मेथड बिफोर 1954 या फिर आफ्टर 1954। तो बिफोर अगर दिया रहेगा तो ये वाला आप यूज करोगे। आपको पता है कि आइस का कितना होता है रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको एक्स आई हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर की जगह पे आप 0 लिख दोगे, ए एक्स आई प्लस बी, तो यहाँ पे बी निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स आई, इसको आप इधर भेजोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में। अब टी स्टीम का रेफरेंस मानोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको एस एक्स से एक्स एस से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे टी की जगह पे 100 रखोगे तो कितना आएगा आप देख सकते हो फिगर में, 100 इज इक्वल टू एक्स ए एक्सेस और प्लस बी जो यहाँ पे है, तो बी की जगह पे कितना आया था, बी का वैल्यू माइनस एक्स आई, तो माइनस ए एक्स आई रख दिया। तो 100 इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया एक्स एस माइनस एक्स आई, अब ए के जगह पे कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 100 बाई एक्स एस बाई एक्स आई, और बी के जगह पे कितना हो गया, बी जो था आपका माइनस ऑफ एक्स ए एक्स आई था, तो बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पे पुट किया माइनस 100 एक्स आई, माइनस का माइनस आई और इंटू एक्स आई, बी का वैल्यू ये आ गया। आप करके देखना एक बार। अब हमारे पास जो है टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मीन्स दैट ए की वैल्यू आपके पास 100 डिवाइडेड बाई एक्स एस माइनस एक्स आई, और ये जो एक्स है इंटू का एक्स यहाँ पर आ गया, माइनस ऑफ बी का वैल्यू है 100 ए एक्स आई डिवाइडेड बाई 100 एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स एस माइनस एक्स आई, ये जो वैल्यू है यहाँ पर पर्टिकुलर पुट कर दिया, ठीक है माइनस का। अब t इज इक्वल टू फाइनली इतना हो गया, 100 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स एस माइनस एक्स आई, अब x की जो वैल्यू हो गया पुट कर दोगे तो टेम्परेचर आपका आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस टाइप से। अब जो मेथड यूज होता है आफ्टर 1954, इन दिस मेथड यूनिक रेफरेंस पॉइंट टेकन इंटू कंसिडरेशन, ट्रिपल पॉइंट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट गैस थर्मोमीटर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस में आपको पता है क्या होता है, जो टेम्परेचर है और प्रेशर का फंक्शन होता है, दैट मीन्स दैट अभी निकाला था हमने यहाँ से, अभी यहाँ निकाल कर भी दिखाया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, दैट मीन्स दैट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कुछ कॉन्स्टेंट आएगा के और पी, ओके। और ट्रिपल पॉइंट पे टी इज इक्वल टू टी ट्रिपल पॉइंट होगा, पी इज इक्वल टू पी ट्रिपल पॉइंट होगा, टी ट्रिपल पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टी इज इक्वल टू के पी लिखा हुआ है, तो टी ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू के इंटू पी ट्रिपल पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट वाला यूज होगा, प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट वाला यूज होगा, और के का जो वैल्यू निकालना है वो टी ट्रिपल पॉइंट बाई पी ट्रिपल पॉइंट निकाल लेंगे, ओके। तो यहाँ पे के की वैल्यू पर्टिकुलर ये आ गई, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, यहाँ से आप देख लो, टी इक्वल टू के पी, के का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो टी इज इक्वल टू के पी आप करोगे, और के का वैल्यू हमने कहाँ से निकाला था, रेफरेंस पॉइंट से निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इज इक्वल टू टी ट्रिपल पॉइंट बाई टी पी ट्रिपल पॉइंट इंटू पी, ये जो हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन है। फिर यहाँ से आप इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है।
और ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। ओके,